सामने पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। देश की कुल 144 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। लोगों को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, विकास की रफ्तार से कोई समझौता नहीं, मुझे 2047 तक विकसित भारत देखना है। पीएम मोदी बोले एक्सप्रेसवे पर 9000 करोड़ खर्च हुए, देश हरियाणा का सामर्थ्य देख रहा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विकास के घमंडिया गठबंधन को दिक्कत, विकास से विपक्ष की नींद हरा। हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे पीएम मोदी, द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्माण करने वाले मजदूरों के साथ बातचीत। गुरुग्राम पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, पीएम से मिलने के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़े दिखे लोग, पीएम मोदी ने किया अभिवादन। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के मॉडल का लिया जायजा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम खट्टर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण, गाड़ी से उत्तर एक्सप्रेसवे पर चले पैदल, गडकरी और सीएम खट्टर भी साथ दिखे। दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम पीएम मोदी ने लिया हिस्सा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी 10,000 करोड़ की फाइनेंस हेल्प, 1,000 नमो ड्रोन दीदियों को बांटे ड्रोन। पीएम मोदी ने लखपति दीदी की महिला लाभार्थियों से संवाद किया, सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री का संबोधन, बोले देश में 1 करोड़ से ज्यादा बहनें बन चुकी लखपति दीदी, ग्रामीण इलाकों में आर्थिक सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा। पीएम मोदी बोले जब मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की, कांग्रेस ने मेरा मजाक उड़ाया, अपमान किया, जमीनी अनुभव का नतीजा है मोदी की योजना। पीएम मोदी का कांग्रेस पर आरोप, कहा पहले की सरकारों ने महिलाओं की मुश्किलों को नहीं प्राथमिकता दी, आज दीदियों के खाते में भेजे गए 10,000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने कृषि ड्रोन की प्रदर्शनी का जायजा लिया, नमो ड्रोन दीदियों ने उड़ाए कृषि ड्रोन, फसलों पर छिड़काव करके दिखाया। दिल्ली में 15 मार्च को नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक। मुख्य विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन भी बैठक में होंगे शामिल, 15 मार्च को शाम 6 बजे बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट से SBI को लगा बड़ा झटका, इलेक्टोरल बोंड की जानकारी देने के लिए समय देने से इनकार किया, याचिका खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कल तक चुनावी बॉन्ड पर जानकारी दे SBI, 15 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाले आंकड़े। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कांसवा ने छोड़ी पार्टी, लोकसभा से भी इस्तीफा दिया, पोस्ट कर जानकारी दी, टिकट काटने से चल रहे थे नाराज। बीजेपी छोड़ने के बाद सांसद राहुल कांसवा कांग्रेस में शामिल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्वाइन कराई पार्टी। आज होगी कांग्रेस की CEC की बैठक, जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। दिल्ली की सभी 3 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई, नाम भी फाइनल नहीं किए गए। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और वेणुगोपाल रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक आज भी CEC में यूपी की सीट पर चर्चा नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किया 6 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन, सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए गठन किया गया। दिल्ली में PIM पोलित ब्यूरो की बैठक, पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के हरियाणा दौरे पर सवाल उठाया, कहा अग्निवीर किसान और पहलवान विवाद पर जवाब चाहती है हरियाणा की जनता। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पहले पीएम कहते थे कि वो अकेले काफी हैं, पर अब BJD, TDP, जनसेना के पीछे दौड़ रहे। MP के छिंदवाड़ा से कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मिलेगा टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर। राजस्थान में पूर्व CM अशोक गहलोत भी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, बेटे वैभव गहलोत को मिलेगा टिकट। बंगाल BJP चीफ सुकांत मजूमदार ने निकाली बाइक रैली, साउथ दिनाजपुर में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, महिलाओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। TMC कैंडिडेट कीर्ति आजाद पर BJP ने नेता अमित मालवीय के सवाल, TMC को कीर्ति के अतीत याद दिलाया, भागलपुर पलायन का जिक्र किया। TMC की लिस्ट पर बोले BJP नेता शहजाद पूनावाला, बंगाल में ममता बनर्जी ने घोषित किए सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी, कांग्रेस देखती रह गई। बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस ने पार्थ भौमिक को मैदान में उतारा, टिकट नहीं मिलने से बैरकपुर सांसद अर्जुन सिंह हुए नाराज। तृणमूल कांग्रेस के फैसले पर नाराजगी जताते हुए बोले अर्जुन सिंह, अगर पता होता कि टिकट नहीं मिलेगा तो TMC में वापस नहीं लौटते। बिहार में 15 मार्च को हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, 27 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ, अभी सीएम नीतीश समेत कुल 9 मंत्री। पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी ने MLC चुनाव में दाखिल किया नामांकन, बाद में पूर्व CM लालू ने दिखाया विक्ट्री साइन। MLC चुनाव पर बोले तेजस्वी यादव, महागठबंधन की ओर से 3 महिलाओं समेत 5 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। माफिया शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब का बयान, RJD से कोई नाराजगी नहीं, सिवान से निर्दलीय लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बिहार की एक रैली में बोले चिराग पासवान, मेरा गठबंधन बिहार के लोगों के साथ, मुझे डराया नहीं जा सकता, हमारे साथ जुड़ना चाहती है हर पार्टी। सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर RJD भड़की, RJD प्रवक्ता शक्ति यादव ने BJP पर जमकर हमला बोला, कहा बिहार में छापेमारी का दौर चल रहा।
लखनऊ में विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए की 10 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। सीएम योगी, प्रदेश बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, राजभर समेत कई नेता मौजूद रहे। पंजाब में आपका लोकसभा चुनाव का कैंपेन शुरू, सीएम भगवंत मान ने सभी 13 सीटें जीतने का दावा किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर अटैक, कहा कांग्रेस हर चीज को बनाना चाहती है, मुद्दा वो नहीं चाहते देश में शांति। बेंगलुरु में कायल एयरपोर्ट पर इंदिरा कैंटीन उद्घाटन, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मौजूद रहे, कैंटीन में खाना खाया। वीएचपी नेता विनोद बंसल की पोस्ट, लिखा सड़क पर जिहादियों ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, ना ही एफआईआर हुई ना जिहादी गिरफ्तार हुए। मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर प्रेसिडेंट मुर्मू, कल मॉरिशस के नेशनल डे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल पहुंचे अयोध्या, मंत्रिमंडल के साथ भी दिखे और किया गया शानदार स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिक राव को दिलाई शपथ, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति साथ हैं। सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी की पत्नी और उनके परिवार से मिले राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की। भारत के 22 मछुआरों की श्रीलंकन नेवी में किया अरेस्ट, तमिलनाडु और पुडुचेरी के रहने वाले मछुआरे। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की बड़ी मुश्किलें, ड्रग्स सिंडिकेट केस में ईडी ने केस दर्ज किया। दिल्ली के इंद्रलोक में हुए बवाल में नया मोड़, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर पुलिस का ट्वीट, वायरल वीडियो में आरोपी एसआई की पिटाई नहीं, पुलिस का बयान 9 मार्च का नहीं 8 मार्च का है वायरल वीडियो, वायरल वीडियो में आरोपी एसआई की पिटाई का दावा। हरियाणा के रेवाड़ी में दर्दनाक हादसा, सड़क पर कार का टायर बदल रहे लोगों को दूसरी कार ने कुचला, 6 लोगों की मौत हुई, 6 घायल। हरियाणा के हिसार में एक साइंटिस्ट ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या की, बाद में की खुदकुशी, सभी एंगल से जांच में जुटी पुलिस। डबल मर्डर से फिर दहली देश की राजनीति, मालवीय नगर में पिता पुत्र की चाकू मारकर हत्या। कुमार चौक चिराग दिल्ली के पास हुई चाकूबाजी, मौके पर पहुंची मालवीय नगर पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के केशवपुर बॉयवेल केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। जौनपुर में स्कूली बस और पिकअप में टक्कर, हादसे में दोनों ड्राइवर और 5 बच्चों को चोटें आई, स्कूल बस में 25 बच्चे सवार थे। नोएडा में पुलिस के ठग ठग गैंग के मुठभेड़, 2 बदमाशों को गोली लगी, अरेस्ट किया गया, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। संत कबीर नगर में एसपी नेता नंदिनी राजभर की चाकू मारकर हत्या की गई, इलाके में फैली सनसनी। आईजी रामकृष्ण भारद्वाज ने बताया जमीन विवाद से जुड़ा था मामला, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी। कानपुर में सरयू नदी में नहाने पर 6 बच्चे में से 3 बच्चे नहर में डूबे, रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में 3 बच्चों को डॉक्टर ने मृत घोषित किया, एसपी सिटी मधुबन सिंह ने जानकारी दी। लखनऊ के अकबर नगर में प्रशासन की टीम पर हमले में मामले में एफआईआर, 7 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। तमिलनाडु के पुडुकोई जिले के मिमिसल के बीच कस्टम की रेड, 60 लाख रुपए कीमत का 400 किलो गांजा बरामद किया गया। तमिलनाडु के वेल्लोर में कोल्लई उत्सव के लिए बनाया गया 60 फुट लंबा रथ, जहां किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पीएम मोदी ने यूक्रेन पर एमटी हमला रुकवाया, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, मोदी की दखल के बाद पुतिन ने बदला इरादा। खेरसन तनाव के चलते परेशान रूस, कर सकता है परमाणु हमला, मोदी की दखल के बाद पुतिन ने बदला इरादा। इसराइल हमास युद्ध में अब तक गाजा के 31,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, मृतकों में 2/3 महिलाएं और बच्चे भी शामिल। गाजा में सक्रिय हमास आतंकियों को इजरायली सेना ने बनाया निशाना, कई फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा में हमास आतंकियों पर इसराइल ने हमले के तेज किए, हर तरफ धमाके गूंजे और आवाज और छाया धुएं का गुबार। हमास नेता इस्माइल हानिया के इसराइल पर बोला हमला, गाजा में सिजफायर की बातचीत फेल होने के लिए इसराइल को दोषी ठहराया गया। इसराइल की राजधानी तेल अविव में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन, गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए मांग की गई। इसराइल हमास युद्ध के खिलाफ हॉलीवुड का विरोध प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लिए हुए प्रदर्शनकारियों ने युद्ध खत्म करने की मांग की। इसराइल के रक्षा मंत्री योग गैलेंट गाजा पहुंचे, नौसेना के साथ समुद्री कॉरिडोर का जायजा लिया। गाजा में समुद्री रास्ते से लोगों तक पहुंचाई जाएगी मदद, फूड पार्सल से लेस साइड प्राइस बंदरगाह पर खड़ा जहाज। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, चीफ जस्टिस काजी फेज ईसा ने शपथ दिलाई। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाली रैली, इसराइल का बहिष्कार करो और फिलिस्तीन को मुक्त कराने के नारे लगाए। जर्मनी के बर्लिन में तेज रफ्तार कार का कहर, पैदल चल रहे यात्रियों को मारी चक्कर, हादसे में महिला और उसकी बेटी की मौत हुई। ऑस्कर फिल्म ओपेनहाइमर की धूम फिल्म के लिए किलियन मर्फी और मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। ओपेनहाइमर के बेस्ट एडिटिंग फिल्म का ऑस्कर अवार्ड, फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन को बेस्ट डायरेक्टर का पहला ऑस्कर अवार्ड मिला। ब्रिटेन के जॉन्सबोरो के डाउनटाउन इलाके में फायरिंग, गोली लगने से 3 लोगों की मौत, कई घायल।
अमेरिका के पोलैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, कम से कम 19 लोगों की मौत, कई लोग लापता। सुमात्रा प्रांत में करीब 20,000 घर में पानी भरा, 80,000 से ज्यादा लोगों ने सरकारी शिविरों में शरण ली। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जॉइंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच टक्कर, दिल्ली में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराया, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया गया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी कर 181 रन बनाए, टारगेट का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम 180 रन ही बना सकी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने टीम को अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रही, 5 रन बनाकर आउट हुई। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में हुई नंबर 1, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने सभी खिलाड़ियों की तारीफ की, बीसीसीआई ने सीरीज की जीत के लिए टीम को बधाई दी। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव ने जीता फील्डर ऑफ द सीरीज अवार्ड, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने खिलाड़ियों को खिताब सौंपा। भारत से 5 टेस्ट की सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम बोले, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई हम और अधिक डरपोक होते गए। बजरंग पुनिया और रवि दहिया पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर से बाहर, बजरंग को रोहित और रवि को उदित नेशनल ट्रायल्स के सेमीफाइनल में हराया। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का डबल्स खिताब जीता, चीनी ताइपे के शटलर जोड़ी को सीधे गेम से हराया। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में देश का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर सीएम नवीन पटनायक ने उद्घाटन किया। नीरज चोपड़ा ने सरकार के प्रतिभा पहचान कार्यक्रम का समर्थन किया, कहा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह मजबूत आधार होगा। हरिद्वार में एचआरडीए की पहल, फ्लाईओवर के नीचे बनाया बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल के कोर्ट बनाए गए।